दोस्तों, देश में एक्शन की कमी किसी भी तरीके से नहीं है। हर तरफ जहां पर भी आप देखो, कोई ना कोई एक्शन चल रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखो तो वहां पर जो कमलनाथ की सरकार है वो गिरने पे तैयार हो चुकी है। वहां पर ऑपरेशन ब्लैक कमल पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देश के किसी भी कोने में देखो, देश की राजधानी में देखो, तो अभी तक भी दिल्ली दंगों के ऊपर सियासत जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। कल एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, शाहीन बाग जो है वो खाली करा दिया गया है। शाहीन बाग एम्प्टी करके एक ट्रेंड चल रहा था। और इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी किन मुद्दों को अपने फ्रंट फुट पे रख के खेलना चाह रही है, किन मुद्दों को आगे रख के बैठी हुई है, जबकि देश में इतनी बड़े बड़े संकट इस टाइम पे आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक देश के बड़े संकट की। थोड़े महीनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही आपको याद होगा, पीएमसी बैंक की एक क्राइसिस सामने आई थी और लोग जो हैं सड़क पे बिलखते रोते हुए नजर आ रहे थे, अपने परेशानियों को लेकर मोदी जी से गुहार लगा रहे थे, देश की सरकार से गुहार लगा रहे थे, और किसी तरीके से अपने जो उनके जुटाए हुए पैसे हैं बैंक के अंदर उनको निकालने की कोशिशें कर रहे थे। आज की डेट में पीएमसी बैंक का स्टेटस आपको बता देता हूं दोस्तों क्या है। अभी भी पीएमसी बैंक के जो खाता धारक हैं उनको प्रोटेस्ट करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी आरबीआई के बाहर। ये अभी से ठीक 2-3 दिन पहले की खबर है। उन्होंने एक परमिशन मांगी कि हम आरबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर एक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और वो प्रोटेस्ट की परमिशन भी नहीं दी गई। ये पीएमसी बैंक की स्टोरी थी। ये स्टोरी खत्म नहीं होने का नाम ले रही थी कि एक यस बैंक की क्राइसिस भी हमारे सामने आ गई। और दोस्तों, एक से एक लोगों का पैसा डेफिनेटली यहाँ पर फंसा होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अंधभक्तों को इससे सबक मिल जाएगा, अंधभक्तों को इससे समझ आ जाएगा कि मोदी जी आखिरकार देश के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंधभक्तों को इससे किसी भी तरीके का कोई सबक नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अंधभक्तों के पास, अंधभक्तों के बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। इसलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि येस बैंक बंद हो, HDFC बंद हो, देना बैंक बंद हो, SBI बंद हो, कोई सा भी बैंक बंद हो जाए, अंधभक्तों को लिटरली कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में मोदी जी की बदौलत एक भी चवन्नी, एक भी फूटी कौड़ी इस टाइम पे नहीं पड़ेगी। वो आराम से टेंशन फ्री बैठे हुए हैं। जिन लोगों का हार्ड अर्न मनी बैंक अकाउंट्स में पड़ा है वो है आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन, आम आदमी, जो यकीनन अंधभक्तों की कैटेगरी से बहुत दूर है, और डेफिनेटली वही लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर येस बैंक के जो सीईओ है राणा कपूर, सबसे बड़ी आयरनी देखिए यहाँ पर, येस बैंक के सीईओ जब डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया जाता है मोदी जी के द्वारा, तो मोदी जी की चमचागिरी में येस बैंक के सीईओ एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं, मोदी डिलीवर्स अ मास्टर स्ट्रोक। ये येस बैंक के सीईओ राणा कपूर का उस टाइम पे कहना था 2016 में। उस मास्टर स्ट्रोक की वजह से आज ये येस बैंक इस कगार पे आ चुका है कि इसके ऊपर 50,000 की पाबंदी लगा दी गई है आरबीआई के द्वारा। मतलब आरबीआई ने कहा है कि 1 महीने में इसके जो खाता धारक हैं वो 50,000 से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे पीएमसी बैंक के साथ हुआ था, पहले 1,000 की लिमिट, फिर 25,000 की, फिर 50,000 की। लेकिन यहाँ पर कुछ और रिबेट्स दी गई हैं, कुछ राहतें दी गई हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को एजुकेशन के लिए कोई इमरजेंसी है, या फिर किसी के घर में कोई शादी है, तो वो 5 लाख रुपए तक निकाल सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आज की डेट में कहीं एजुकेशन 5 लाख रुपए की होती है। आप खुद सोचिए कि एजुकेशन इतनी महंगी आज की डेट में हो चुकी है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया में भी पढ़ रहे हैं जहाँ पे, इतनी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन है, 10-10, 12-12 लाख फीस है, क्या ऐसे में 5 लाख से कुछ होगा? या फिर जिसके घर में शादी है, क्या वो 5 लाख में पूरी शादी निपटा सकता है? सोचने वाली बात है। पीएमसी बैंक क्राइसिस। पायल रोहतगी एंड टीम का भी यहाँ पर एक ट्वीट आया। पायल रोहतगी एंड टीम ने ये बताया कि ये क्या हो रहा है। उनका ट्वीट देखिए क्या कह रही हूँ। उस ट्वीट में साफ साफ ये पूछ रही हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, और डेफिनेटली इकोनॉमी ब्लूम नहीं कर रही है। उनके पिताजी का पैसा फंस गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उसके बाद क्या हुआ कि पायल रोहतगी ने इस ट्वीट को डिलीट करके, इस ट्वीट को एडिट करके डाला, उसमें अपने पिताजी वाली बात उन्होंने हटा दी, क्योंकि ये बात उनकी बातों से पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो चुकी थी, जो बातें वो मोदी जी की भक्ति में इतने दिनों से कर रही थी। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे यकीनन पायल रोहतगी के पिताजी जैसे या पायल रोहतगी जैसे, जिनका पैसा यहाँ फंसा होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द भक्त दोस्तों ऐसे ही हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, और जिनको ऐसी चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान से फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि ताहिर हुसैन ने क्या किया और कपिल मिश्रा कितनी अच्छी तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे देश को आगे चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ
कोरोना वायरस की भी खबरें बीच में आ रही हैं। कोरोना वायरस से एक बहुत बुरी चीज़ हुई है दोस्तों, एक सबसे बुरी चीज़ ये हुई है कि मोदी जी का एक दौरा था, अब्रॉड जाने वाले थे मोदी जी, बेल्जियम जाने वाले थे, और वो दौरा टालना पड़ गया। इससे ज़्यादा दुखद खबर दोस्तों क्या हो सकती है कि कोरोना वायरस के चलते मोदी जी को अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल करने पड़ गए हैं। इससे बड़ी बुरी बात हमारे देश के लिए इस टाइम पे यकीनन कुछ भी नहीं है। अभी 2-3 दिन से क्या है, दिल्ली में बारिश चल रही है, बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी तरीके तरीके की बात चल रही है, कुछ लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन मेरा आपसे एक बार गुजारिश है, और मैं चाहूँगा आप इसको एक बार के लिए सोचें, जिन लोगों के दिल्ली दंगों में घर जल गए, बर्बाद हो गए, जो सड़क पे आ गए हैं, आखिरकार उनका इन बारिशों में क्या हाल हो रहा होगा। सब चीज़ें छोड़ के, ये येस बैंक को छोड़ के, पीएमसी को छोड़ के, मोदी जी को छोड़ के, सिर्फ इसके बारे में 2 मिनट के लिए सोचिए कि आखिरकार जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि हमारा कुछ सामान बाहर पड़ा है भीग ना जाए, लेकिन जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया, जो खुद ही घर से बाहर आ गए हैं इन दंगों की वजह से, आखिरकार उनका इन 2 दिन की बारिश में क्या हाल हुआ होगा। एक बार इस चीज़ को सोचिएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी हेल्पलाइंस खोली गई हैं दिल्ली दंगों में, जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए। किसी पे भी आप पहुंच के, इजीली गूगल सर्च करके ढूंढ के किसी पे पहुंच के उनकी मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई मदद इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं मदद का माध्यम भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर भी सवाल उठा देना चाहते हैं, जिनसे यकीनन मैं बहुत दूर और बचना चाहता हूँ। येस बैंक जैसे और भी बहुत सारे बैंक आने वाले समय में आएंगे। इस बैड न्यूज़ के अलावा एक बैड न्यूज़ मेरे पास आपके लिए और है, और ये बैड न्यूज़ भी जो है ये बहुत सारे तरफ से मेरे पास 2-3 दिन से आ रही थी, लेकिन इसको एक तरीके से वेरीफाई करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। 28 कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे 28 कंपनियों को बेचा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। अनुराग ठाकुर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया, उन्होंने इस चीज़ की पूरा ब्यौरा दिया कि 28 कंपनियों को कैसे उनके अंदर जो स्टेक है वो बेचा जा रहा है। अब जब स्टेक बेचने की बात चलती है दोस्तों, तो स्टेक किसको दिया जाएगा? कोई नॉर्मल बिजनेसमैन को तो दिया नहीं जाएगा, ये अडानी, अंबानी और मोदी जी के जितने आसपास के दोस्त हैं, वो दोस्त जिनको दंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोस्त जिनकी दुकानें, जिनके घर दंगों में नहीं चलते, वो दोस्त जिनको येस बैंक और डिमोनेटाइजेशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता, वो दोस्त ही इन कंपनियों को खरीदने वाले हैं। एक बार आपको इन कंपनियों के नाम मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका इस बात का जानना कि हमारे देश की सरकार हमारे देश को किस तरीके से बेचने पे तुली हुई है। एक मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन पे ऐसा OLX पे ऐड आएगी, और पता चलेगा मोदी जी जो कह रहे थे मैं देश नहीं भिकने दूंगा, झुकने दूंगा, टिकने दूंगा, वो OLX पे पूरे देश को बेचने का काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, दूसरी कंपनी है ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम, पवन हंस लिमिटेड, एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम, HLL लाइफ केयर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NMDC का एक स्टील प्लांट, सेल का दुर्गापुर ऑयल स्टील प्लांट, THDC इंडिया लिमिटेड, इंडिया मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, और इसी के साथ साथ कारंजार पोर्ट, जो एक पोर्ट बनाया हुआ है उसको भी सरकार उसमें स्टेक बेचने का काम कर रही है। अब डेफिनेटली दोस्तों ये स्टेक बेचना तो सिर्फ कहने की बात है, इन कंपनियों को, इन PSUs को बेचा जा रहा है पैसा इकट्ठा करने के लिए। लक्ष्य रखा गया है 65,000 करोड़ का। पैसा इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश में कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है। इस पैसे को इकट्ठे करके या तो इलेक्शन में लगाया जाएगा या मोदी जी की फकीरी की इमेज को दिखाने में लगाया जाएगा। और दोस्तों इतनी सारी कंपनीज बिक रही हैं, येस बैंक क्राइसिस चल रहा है और तरीके तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि शाहीन बाग किस तरीके से खाली कराया जा रहा है, या फिर शाहीन बाग एम्प्टी किस तरीके से एक नैरेटिव फिर से सेट किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है देश को असली मुद्दों से। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपके सामने ला के रखना चाहता था, और आपको बताना चाहता था कि कितना एक्शन चल रहा है हमारे देश में। एक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक्शन है दोस्तों ये लगातार गलत डायरेक्शन में चल रहा है। ये एक्शन जो है हमारे को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। इससे हमारा
कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।